किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूँ की खेती को लेकर। किसान भाइयों, गेहूँ में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और पहली सिंचाई के साथ किन किन खतों का उपयोग करना चाहिए जिससे पौधे की अच्छी तरह से ग्रोथ बढ़े और पौधे का अच्छी तरह से विकास हो और पौधे में ज़्यादा फुटान देखने को मिले। किसान भाइयों, जिसे गेहूं की फसल से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सही खाद का उपयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। और किसान भाइयों, गेहूं की फसल में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे गेहूं की फसल से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके। किसान भाइयों, आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली पूरी जानकारी मिल जाएगी, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित व मंडी भाव की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूँ की खेती को लेकर। किसान भाइयों, गेहूँ में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए और किन किन खातों का उपयोग करना चाहिए जिससे गेहूँ की फसल से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके। किसान भाइयों, गेहूँ की फसल में बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और गेहूँ में सिंचाई का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है जिससे गेहूँ की फसल से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके। किसान भाइयों, बात करें गेहूँ में पहली सिंचाई की तो किसान भाइयों, जब गेहूँ की फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में हो जाने के बाद गेहूँ की फसल में पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, गेहूँ में पहली सिंचाई के साथ आप यूरिया का उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, इसका उपयोग आप प्रति एक एकड़ 30 से 35 केजी यूरिया का उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, जिसे पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी, पौधे का अच्छी तरह से विकास होगा और पौधे में ज़्यादा फुटान देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, आपको यूरिया का उपयोग करना है। और किसान भाइयों, यूरिया के साथ आप सल्फर का उपयोग भी कर सकते हो। किसान भाइयों, जिसे पौधे का अच्छी तरह से विकास होगा और पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी। किसान भाइयों, जिससे गेहूँ की फसल से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके। किसान भाइयों, और भी गेहूँ की फसल में अनेक खाद का उपयोग किया जाता है। किसान भाइयों, गेहूँ की फसल में सही खाद का उपयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाइयों, मेरे हिसाब से तो आप जब गेहूँ की फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में हो जाने के बाद आप प्रति एकड़ 30 से 35 केजी यूरिया का उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, जिससे पौधे का अच्छी तरह से विकास होगा, फुटान ज़्यादा होगी और पौधे की अच्छी तरह से ग्रोथ बढ़ेगी। किसान भाइयों, जिससे गेहूँ की फसल से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सके। किसान भाइयों, गेहूँ की फसल में सिंचाई का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है और गेहूँ की फसल में बहुत से बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे गेहूँ की फसल में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। किसान भाइयों, यह थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले से नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए।